समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। बीते दिनों उनके बेटे और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर विरोध जताया था। अब ऐसे में मुलायम सिंह यादव की वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद बीजेपी ने अखिलेश के इस बयान पर चुटकी ली है और साथ ही मुलायम सिंह यादव को वैक्सीन लगवाने के लिए बधाई दी। कभी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वैक्सीन का विरोध किया था, वैक्सीन को बीजेपी का टीका करार दिया था और कहा था मैं कोरोना का टीका नहीं लगवाऊंगा, ये टीका तो बीजेपी वालों का है, मैं इस पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। लेकिन देखिए ना, उनके पिता सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने इसी वैक्सीन पर विश्वास किया है। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में वैक्सीन की पहली डोज ली है। इससे पहले बहु अर्पणा यादव ने भी पिछले महीने लखनऊ के लोकबंधु हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाई थी। तो अब क्या कहेंगे अखिलेश यादव? अब पूछने वाले तो पूछेंगे ही, लोगों का काम है पूछना। खैर, 81 साल के मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और इसकी जानकारी सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी गई। और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव को स्वदेशी वैक्सीन की डोज लेने के लिए उन्हें बधाई दी। डिप्टी सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि आपका वैक्सीन लगवाना इस बात का प्रमाण है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई थी, इसके लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी ट्वीट कर कहा कि मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लगवाकर एक अच्छा संदेश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है सपा के कार्यकर्ता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भी अपनी पार्टी के संस्थापक से प्रेरणा लेंगे। वहीं यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि अखिलेश की माने तो मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी का टीका लगवा ही लिया, अपने बेटे के फैलाए भ्रम को आखिर तोड़ ही दिया। अब देखने वाली ये बात होगी कि मुलायम सिंह यादव के टीका लगवाने के बाद क्या अखिलेश यादव वैक्सीन का डोज लेंगे या फिर वो अपने बयान पर बने रहेंगे। और इसी के साथ डेली बज इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।